हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम गौतम दीक्षित है और आज के इस वीडियो में हम 9th जून 2022 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। एंड टुडे इज़ न्यूज़पेपर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड नाउ सम ऑफ द न्यूज़ विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, यू हैव टू मेक अ नोट्स और मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा। उसके बाद आप प्लीज़ इसका एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के नोट्स बना लीजिएगा। आज का जो न्यूज़ है, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स एंड फॉरेन अफेयर्स, इन दोनों तरीके से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज हैव कम फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड फॉरेन अफेयर्स सेक्शन एंड यू हैव टू मेक अ नोट्स ऑफ इट। सम ऑफ द न्यूज़ विच वी आर गोइंग टू डू, इट विल बी अ टाइप ऑफ रिविजन, जो आपने पहले पढ़ा है अबाउट द इंडो श्रीलंका सॉरी अबाउट द श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, दैट विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग दैट पोर्शन अगेन। एंड देन रशिया यूक्रेन क्राइसिस में जो नया डेवलपमेंट है, स्पेशली रिलेटेड टू ब्लैक सी, वी आर गोइंग टू डू दैट ऑन द फॉरेन पेज। एंड देन देर विल बी सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्रिएटिंग अ न्यू रिकॉर्ड विच हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, सो दैट वी आर गोइंग टू सी। एंड देन वी आर गोइंग टू सी दैट वाई इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिजेक्टेड द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2022। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 14 खरीफ क्रॉप। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़ फ्रॉम द इकोनॉमी। नाउ द फर्स्ट न्यूज़ इज आरबीआई रेजेस रेट्स टू टेम इन्फ्लेशन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नाउ इन्फ्लेशन और आरबीआई, अब इसके बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो आरबीआई जो है, हम मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा थोड़ा सा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर एट मुंबई एंड द आरबीआई गवर्नर इज शक्तिकांता दास। आरबीआई का जो एक मेन फंक्शन है, दैट इज टू इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब क्या हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट करते हैं उसके लिए एक स्पेशल बॉडी बनी, दैट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 45ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। एंड नाउ द गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज़ नाउ टू इम्प्लीमेंट द मॉनेटरी पॉलिसी। पहले 2016 के पहले इट वॉज द मैंडेट ऑफ आरबीआई टू इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ इट इज़ द जॉब ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टू इम्प्लीमेंट द मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, अब ये सप्लाई को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विथ प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ विथ प्राइस स्टेबिलिटी। ओके, नाउ ग्रोथ विथ प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इन्फ्लेशन शुड बी अंडर कंट्रोल। नाउ कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए इकोनॉमी में, जिसको हम कह सकें कि इन्फ्लेशन इज़ अंडर कंट्रोल, तो वो है 4% प्लस माइनस 2%। अभी 4% प्लस माइनस 2% मतलब आइडियली द इन्फ्लेशन रेंज शुड बी 4%, बट प्लस माइनस 2% की फ्लेक्सिबिलिटी है कि मतलब 4% प्लस 2% इज 6% एंड 4 माइनस 2 इज 2%। सो 2% से लेकर 6% के बीच में ही इन्फ्लेशन होना चाहिए, इसके ऊपर या 2% के नीचे नहीं होना चाहिए। बट अभी जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो 6% के काफ़ी पार है, इट इज़ टचिंग 8%, 7.9% है अभी। सो नाउ द इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई, सो द आरबीआई और द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, नाउ इट विल स्टार्ट कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी। वन ऑफ द strategy of controlling the supply of money in the economy is by increasing or decreasing the repo rate. तो अगर हम repo rate को देखेंगे, ठीक है ना, अगर repo rate RBI बढ़ाती है तो money supply economy में कम हो जाता है, ओके, एंड वाइस वर्सा। जब भी inflation ज़्यादा है तो RBI हमेशा repo rate को बढ़ाती है। तो RBI ने पिछले मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में the repo rate was increased from 4% to 4.4%, and now
अगेन इट हैज़ बिन इंक्रीज टू 4.9%। आरबीआई 3 साल से रेपो रेट को 4% पे रखी थी, क्यों? टू सपोर्ट द ग्रोथ, बिकॉज टू सपोर्ट द ग्रोथ ड्यूरिंग COVID-19। दिस स्टैंड ऑफ आरबीआई इज कॉल्ड एज एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, नाउ अगर हम देखेंगे कि अब जो इन्फ्लेशन रेंज है वो 6% का मार्जिन ब्रेक करके 7.9% पे आ चुका है, तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स व्हाई नाउ आरबीआई हैज़ व्हाट डन इज दैट इन लास्ट टू मीटिंग्स इट हैज़ इंक्रीज द रेपो रेट फ्रॉम 4% टू 4.4% एंड देन नाउ फ्रॉम 4% टू 4.9%। ठीक है, द नेक्स्ट टेक्निकल थिंग इज 50 बेसिस पॉइंट। व्हाट इज दिस 50 बेसिस पॉइंट्स? हम इकोनॉमी में परसेंटेज कम यूज़ करते हैं, बट ये बेसिस पॉइंट का फंडा यूज़ करते हैं। द बेसिस पॉइंट का फंडा ये है कि 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। ठीक है, तो अगर 50 बेसिस पॉइंट बोला तो 50 बेसिस पॉइंट का मतलब हो गया 0.5%। सो अर्लियर द रेपो रेट वॉज 4.4%, इसमें 0.5 ऐड कर दो तो इट विल बिकम 4.9%। सो नाउ द रेपो रेट इज 4.9%। नाउ आरबीआई हैज़ इंक्रीज द रेपो रेट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सीधा सीधा कि इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। अब इट मीन्स अगर आप बैंक से कुछ भी बोरो करने जाओगे तो अब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। सो यू कैन सी द सेकेंड पैराग्राफ, द आरबीआई मूव विल इंक्रीज बोरोइंग कॉस्ट अक्रॉस द बोर्ड फ्रॉम दोज हु आर सीकिंग लोन्स टू बाई कार्स एंड होम्स, एमएसएमई फर्म्स हु आर लुकिंग टू रेज कैपिटल। ठीक है, नाउ इफ यू विल जस्ट सी द थर्ड पैराग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। द एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज़ डिसाइडेड टू रिमेन फोकस्ड ऑन द विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन विच हैड बीन प्रोवाइडेड टू सपोर्ट द COVID-19 हिट इकोनॉमी टू एंश्योर दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स विद इन द टारगेट। सो हियर अगेन इफ यू विल सी दैट इंक्रीजिंग द रेपो रेट मीन्स देयर इज अ विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन। व्हाई? बिकॉज इन्फ्लेशन शुड रिमेन इन द टारगेट। ये टारगेट क्या है जो मैंने आपको बताया, 4% ±2%। नाउ इफ यू विल जस्ट सी दैट अदर प्रोजेक्शंस गिवन बाय द आरबीआई, तो यहाँ पे हम देखेंगे दैट बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ नॉर्मल मानसून इन 2022 एंड एवरेज क्रूड ऑयल प्राइस ऑफ $105 per barrel, तो आरबीआई इज प्रोजेक्टिंग कि रिटेल इन्फ्लेशन जो होगा वो 6.7% होगा इन 2022-23। दिस नंबर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आरबीआई का इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन कितना है फॉर द ईयर 2022-23, दैट इज 6.7%। तो ये जो आरबीआई का रेंज है 2% से 6%, उससे ज़्यादा है ये। ठीक है, नाउ सेकेंड इज दैट व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ सप्लाई शॉक्स लिंक टू द वॉर इन यूक्रेन। द नेक्स्ट इज ग्रोथ फोरकास्ट। सो द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज़ रिटेन इज फोरकास्ट फॉर रियल GDP ग्रोथ फॉर 2022-23 एट 7.2%। तो दिस इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फिगर इन दिस न्यूज़। तो पहला इम्पॉर्टेंट फिगर क्या है कि RBI ने रेपो रेट कितना बढ़ाया, सो इट इज़ फ्रॉम 4.4% टू 4.9%, दैट इज़ द फर्स्ट। सेकेंड इज दैट वॉट इज़ द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर दिस ईयर, सो इट इज़ 6.7%। द नेक्स्ट इज वॉट इज द GDP ग्रोथ टारगेट फॉर दिस ईयर, दैट इज 7.2%। द नेक्स्ट इज फ्रॉम द स्पोर्ट्स, मिथाली राज हु इज द स्किपर ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, नाउ शी हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट। ओके, एंड शी इज इंडियाज कैप्टन इन वुमेन्स टेस्ट एंड ODIs, एंड शी हैड एन इंटरनेशनल कैरियर स्पेनिंग 23 ईयर्स एंड स्कोर अराउंड 10,868 runs. Okay, so now she has announced retirement. So this is very important news from the sports section. The next is food safety index, जो हमने कल किया था food safety index, जिसका 4th edition release हुआ था. Okay, it was released by health minister and we celebrate the world food safety day on 7th June. तो उसी occasion पे इसको release किया गया था and we saw that in larger category state Tamil Nadu is the टॉप, इन स्मॉल कैटेगरी स्टेट इट इज गोवा। ओके, एंड देन इफ यू विल जस्ट सी दैट देर आर 5 पैरामीटर्स ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स। सो वी हैव टू सी ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा,
कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वेलेंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट. सो दीज आर द फाइव पैरामीटर फॉर फूड सेफ्टी इंडेक्स. सो दैट मच इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. द नेक्स्ट इज द न्यूज विच वी हैव ऑलरेडी डन मल्टीपल टाइम, दैट इज इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. फॉर प्रॉस्पेरिटी. नाउ फ्रेंड्स देखिए, अगर किसी चीज़ के बारे में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बात हो रही है या बहुत बार बार बात हो रही है तो आपको हिंट लग जाना चाहिए कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है. तो जैसे कि अगर आप देखेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बिकॉज इट इज़ बीन डिस्कस्ड टू मैनी टाइम्स. सो इफ यू विल जस्ट सी अबाउट द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, आई विल गिव यू अ जिस्ट दैट इट वॉज अनाउंस्ड बाई जो बाइडन और जोसेफ बाइडन, हु इज़ द 46th प्रेसिडेंट ऑफ USA. एंड नाउ द एम इज टू डेवलप इकोनॉमिक लिंकेजेस बिटवीन कंट्रीज, ओके, विच आर इन इंडो पैसिफिक रीजन. नाउ यहाँ पे जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पे जो कंट्रीज जो हैं उनको तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं. पहला है पैसिफिक आइलैंड्स, नेक्स्ट इज साउथ एशिया, सॉरी साउथ ईस्ट एशिया, and then we have Indian Ocean region. These three region comprises Indo-Pacific region. Now the Indo-Pacific economic framework for prosperity, so naam mein kya hai economic, so over here the job is to develop economic linkages, to develop economic linkages between member countries. Iske members kaun kaun se hain ye janna bahut important hai. So over here there are four quad members, so these four quad members we already know, it is US, Japan, Australia and India. Then we have seven ASEAN countries, okay, there are total 10 countries in ASEAN. Usme se teen countries iske part nahi hai, jo nahi hai main unka naam likh raha hu, Myanmar, Laos, Cambodia. They are not the part of this initiative. Rest seven countries are the part of this initiative. Then we have New Zealand, South Korea and Fiji Island. ठीक है, अगर आप देखेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तो इसके इसका पार्ट कौन नहीं है, चाइना नहीं है. ठीक है, नाउ देर आर टू मोर, इफ यू विल जस्ट सी रीजनल ट्रेड रीजनल ब्लॉक्स इन दिस रीजन. वन इज RCEP, रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ऑफ विच देर आर अराउंड 11 मेंबर्स ओवर हियर. सो चाइना इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ RCEP. देन यू हैव कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेड, कॉम्प्रीहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप फॉर comprehensive and progressive trade partner trans-pacific partnership, okay, comprehensive and progressive trans-pacific partnership. तो इसमें USA नहीं है, पहले USA इसका पार्ट था, बट USA also backed out, like India backed out from RCEP, USA backed out from this CPTPP. ठीक है, अब इन दोनों में चाइना है. ठीक है ना, फाइन. सो USA has proposed this new forum for economic linkages between these countries, okay. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो IPEF के 4 पिलर्स हैं. ठीक है, दोज आर स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स फॉर डिजिटल ट्रेड, रेजिलिएंट सप्लाई चेन, ग्रीन एनर्जी कमिटमेंट्स एंड फेयर ट्रेड. अब इसके मेंबर्स अगर जो हैं वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इट इज़ ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम. फिजी हैज़ ऑल्सो ज्वाइन दिस रिसेंटली. नाउ ओवर हियर इफ यू विल जस्ट सी दैट यहाँ पे ना इस फ्रेमवर्क में अगर हम बात करेंगे तो कुछ चीज़ें हैं लाइक द फ्रेमवर्क इट डज नॉट एड्रेस द इशू ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ. ठीक है ना, जैसे कि अगर हम देखेंगे जैसे डिजिटल ट्रेड की अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन लोकलाइजेशन ऑफ डिजिटल डेटाज इन इंडिया, ओके, बट USA का क्या है, दैट इज डेटा शुड बी ओपन, ओके. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. Then green energy commitments. So if you will just see that various nations are at various stages in green energy commitments. So these are some of the tasks which has to be
resolved by this new framework if it wants to get launched. Now friends, again from the foreign page, this is from the foreign news, and this is very analytical news. If you read this whole news, you will get the whole idea of Ukraine war and the global food crisis. तो यहाँ पे बात एक्चुअली फॉरेन पेज पे भी हम यही पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम यहीं पे कर लेते हैं. ब्लैक सी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, कि ब्लैक सी को ओपन रखा जाए कि ताकि यूक्रेन जो है वो अपना एक्सपोर्ट भेज सके, ठीक है ना. सो इफ यू विल जस्ट रीड दिस थिंग, यू विल गेट द जिस्ट ऑफ एवरीथिंग विच आई विल डिस्कस विद यू. सो इफ यू विल जस्ट सी दैट, रशिया ने जब यूक्रेन पे इन्वोक किया तो तुरंत फूड इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है ना. फूड इन्फ्लेशन हो गया, वाई? बिकॉज देर वॉज सीवियस सप्लाई शॉर्टेज एंड द ब्लैक सी विच बिकेम द इंटेंस जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्री. तो वहाँ पर सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन हो गया, यूक्रेन और अपना जो गुड्स है वो भेज नहीं पा रहा था. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि दैट यूक्रेन एंड रशिया, दे आर द सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट. रशिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट. सो रशिया एंड यूक्रेन, दे बोथ अनाउंस्ड a ban on their export due to the war. So this increased the global food price index to the record high level. At the same time, Russia and Ukraine, they are also significant supplier of edible oil, especially sunflower oil. So uska bhi daam kafi jyada badh gaya. So if you will just see over here that these two warring countries, they are the biggest exporters of commodities such as wheat, sunflower oil, barley and corn. But due to restricted supply, commodity prices have rocketed in countries which are highly dependent on the two, especially African countries. ठीक है. So now what has happened now? To solve this problem, United Nations and Turkey, they have initiated talks with the Russian leadership to facilitate the export of grains and fertilizers from Russia and Ukraine. ठीक है ना. So Turkey has taken the lead along with UN to open the Black Sea so that a trade can resume. Now see, let's see the dependency. ठीक है ना, sunflower oil dependency. तो हम देखेंगे कि India sourced 86% of its sunflower oil needs from Russia and Ukraine. ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा कि India में sunflower edible oil, India depends upon import for supplying for edible oil. India is not self-sufficient in production of edible oil, so it depends on import. But due to hit of sunflower oil, so edible oil prices have gone have increased in the past. If you will just see barley dependency, so China imported $14.3 billion worth of barley from the two countries. So China will is worst hit because of barley. Wheat ki agar hum baat kare to Egypt, Turkey and Azerbaijan, they have very high dependency. देन कॉर्न की हम बात करें तो 7 कंट्रीज इम्पोर्टेड ओवर अ बिलियन वर्थ ऑफ कॉर्न फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन. यू कैन सी द नेम ऑफ दिस कंट्रीज. द नेक्स्ट इज एमएसपी. एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. नाउ यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमेशा सोइंग सीजन के पहले ही गवर्नमेंट अनाउंस करती है. एमएसपी का जो फंडा है वो ये है कि फार्मर्स को रिटर्न टू फार्मर्स शुड बी एडिक्वेट. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमएसपी. देखिए यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का पूरा खेल है. होता क्या है कि मान लीजिए कि राइस की मैं बात करता हूँ, राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप. खारिफ मतलब जो रेनी सीजन में जिनको सो किया जाता है, और राबी मतलब विंटर क्रॉप. सो समझो कि राइस का कल्टीवेशन हुआ, फार्मर ने राइस को कल्टीवेट किया और सारे राइस एकाएक मार्केट में पहुंच गए, ठीक है ना. तो मार्केट में राइस का जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो गया. अब किसी भी चीज़ की का सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो ये डर होता है कि उसका प्राइस फॉल कर सकता है. अगर प्राइस फॉल किया तो क्या हो जाएगा, फार्मर का जो है इनकम वो डिक्रीज हो जाएगा. सो टू shield farmer from such impact of market, the government announced MSP for major crops. ठीक है, तो यहाँ पर government has announced MSP, you can see over the major crops. तो यहाँ पर जब MSP announce कर देता है government, तो उससे क्या हो जाता है कि farmers are assured of what price they will get in the market once they harvest the crop. So that is the objective of MSP.
ठीक है. नाउ द इश्यू ऑफ एम एस पी इज दैट ड्यू टू राइजिंग इनपुट कॉस्ट, लाइक फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए हैं सब कुछ, ओके. सो फार्मर्स का इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है, सो फार्मर्स इन सर्टन क्रॉप्स दे आर डिमांडिंग इंक्रीज इन एम एस पी, विच शुड कवर देयर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कॉम्प्रिहेंसिवली. The next is social security concerns of Indians working abroad will be among the issues raised by Labour and Employment Minister Bhupendra Yadav at the ongoing International Labour Conference of the International Labour Organization. ये एक न्यूज़ है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है. पर यहाँ पर हमारे लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है. पहला क्या है, पहला फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है हु इज़ आवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, भूपेंद्र यादव. What is International Labour Conference? It is the annual conference held under the International Labour Organization. The second is, what is International Labour Organization then? International Labour Organization, it is the United Nations specialized agency. There are 15 specialized agency, among them is United Nations International Labour Organization. Iska headquarter kahan hai? Geneva. Iska headquarter hai. Then, when was ILO established? It was established in 1919. ठीक है. एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी ऑफ आई एल ओ इज दैट इट इज़ ओनली ट्राईपार्टाइट एजेंसी ऑफ यूएन. ट्राईपार्टाइट का मतलब क्या होता है, इट वर्क्स विद गवर्नमेंट, इट वर्क्स विद एम्प्लॉयर एंड इट वर्क्स विद एम्प्लॉय, दैट इज कॉल्ड एज ट्राईपार्टाइट एजेंसी. नाउ हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आई एल ओ, सो द नेम इज गिल्बर्ट हॉगबो. Gilbert Hogbo. The next is again factual information. ठीक है. 18,000 पंडित विजिट खीर भवानी टेम्पल. तो कभी कभी पूछा जा सकता है ओलेट में खास करके कि वेर इज खीर भवानी टेम्पल लोकेटेड. सो यू कैन नाउ रीडिंग दिस इन्फॉर्मेशन, अब आप इसका आंसर दे सकते हैं कि दैट खीर भवानी टेम्पल इज इन कश्मीर वैलीज गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट. ओके. The next is Environmental Index Ranking. So India has objected to a report called as Environmental Performance Index. Now why India has rejected this report? India has rejected its report because it places India at the 180th list. Okay? अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया 180 कंट्रीज में इंडिया को सबसे लास्ट में प्लेस किया गया है ऑन मैनेजिंग क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल हेल्थ एंड इको सिस्टम वाइटलिटी. Okay, now who publishes this report? This report is prepared by researchers at the Yale and Columbia universities. अब यहाँ पे what is the reason behind rejecting this report? So the Union Environment Ministry is saying that the use of biased metrics and biased weights has caused India's low rank as it didn't account for the fact that India had one of the lowest emission trajectory. ठीक है. So this is one of the stand of the ministry. But why India has scored low? So India has scored low across a range of issues because of deteriorating air quality and rapidly rising greenhouse gas emission. The next is very important, most important, defense or foreign affairs. दोनों का mix है इस news में, और ऐसे news बहुत ही favorite होते हैं CLAT में. ओके. सो न्यूज इज इंडिया एंड वियतनाम दे साइन द म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट. सो इंडिया एंड वियतनाम दे हैव साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट. नाउ दे हैव ऑल्सो साइन द जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टूवर्ड्स 2030. नाउ वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट. मतलब कि जब मान लीजिए कि हमारी शिप वियतनाम के पास है या वियतनाम की शिप इंडिया में के पास है, तो उनको ऑपरेशनल सपोर्ट मिल सके, उनको मेंटेनेंस सर्विस, फ्यूलिंग द शिप एक्सेट्रा जो भी होता है वो हेल्प उनको उस कंट्री से मिल सके फॉर इंक्रीजिंग द इंटर ऑपरेटिबिलिटी. नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ इंडियाज विजन दैट इज कॉल्ड अ सागर. सागर एक विजन है इंडिया का, इंडियन ओशन विजन के लिए, दैट इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन.
So now this joint vision statement on India-Vietnam defense partnership 2030, it will enhance the scope and scale of existing defense cooperation. Okay, now is Vietnam the first country with which India has signed this mutual logistic agreement? So you will find that no. India has signed several logistic agreements including all quad countries, jo char quad countries hain, then France, Singapore and South Korea. सबसे पहले इंडिया ने ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम साइन किया था यूएस के साथ 2016 में 16 में. अब ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट होता क्या है? सो दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फैसिलिटिंग एक्सेस टू मिलिट्री फैसिलिटी फॉर एक्सचेंज ऑफ फ्यूल एंड प्रोविजंस ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट. ओके, नाउ ये जो इंडिया का जो वियतनाम के साथ जो ये एमओयू हुआ है, it is going to strengthen their cooperation in Indo-Pacific region. The next is Nahai's road laying feat enters Guinness Book of World Record. So National Highway Authority of India, ek autonomous body hai under the Government of India, Ministry of Road, Transport and Highways, and it is an statutory body established under the Act in 1988. Currently, the chairperson of NHAI is Alka Upadhyay. Okay, so now this body has entered the Guinness World Records for the longest continuously laid bituminous lane of 75 km. So 75 km ka road इन्होंने continuously बिना रुके 105 घंटा और 33 मिनट में कंप्लीट किया. ये नेशनल हाईवे कहाँ पे है? अमरावती और अकोला के बीच में है इन महाराष्ट्र. सो इसके पहले कतार में रोड ले किया गया था 25.275 किलोमीटर एंड दैट वॉज कम्प्लीटेड इन 10 डेज, बट वी हैव कम्प्लीटेड इन जस्ट 105 आवर्स. ओके, नाउ फ्रेंड्स दिस इज द न्यूज विच वी हैव ड्रॉन फ्रॉम द एक्सप्लेनर, सो यू कैन रीड दिस न्यूज ऑल्सो विच इज द पार्ट ऑफ दैट न्यूज. ओके, नाउ कमिंग टू विलिंग टू वर्क विद इंडिया टू हेल्प श्रीलंका सेज चाइना. सो यहाँ पे चाइना हैज़ रिकग्नाइज दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन ग्रेट एफर्ट्स इन सपोर्टिंग श्रीलंका. ओके, सो इफ यू विल जस्ट सी दैट चाइना हैज़ ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड इंडियन असिस्टेंट टू श्रीलंका. तो इंडिया ने कितना असिस्ट किया है श्रीलंका को? टोटल $3.5 बिलियन दिस ईयर. कौन कौन से तरीके से? करेंसी स्वैप, लोन डिफरमेंट एंड ऑफरिंग द क्रेडिट लाइन. ठीक है ना? Now coming to this paragraph, this is very important. China is one of Sri Lanka's top two bilateral creditors along with Japan. But if we see Chinese loan, they make up about 10% of the island's external debt. Now in April 2022, matlab pichle ke pichle mahine, Sri Lanka ne apna default, preemptive default, matlab default hone ke pehle hi default declare kar dena. Preemptive default declare kiya foreign debt pe, kitna? $50 billion. The next is that Colombo, it is seeking the help of International Monetary Fund for debt restructuring and economic revival. Now, the next is a city in the eastern Ukraine, Severodonetsk. Okay, now it is under the Russian control. So it is an industrial city. It lies in eastern Ukraine. So agar hum dekhenge Russia ka pura offensive jo hai wo eastern Ukraine, which is again the breakaway region, not a breakaway region, but this is the region held by separatists who are pro-Russians. So earlier, Russia took control of Mariupol, which is a port, and then several important cities like Severodonetsk in the eastern Ukraine. Okay, so just read this paragraph, it will clear everything. The strategic city has become the focus of Russia's offensive as it seeks to seize an eastern swath. Eastern swath matlab eastern area of Ukraine, after being repelled from capital Kyiv and other parts of the country. So jab ye invasion start hua tha to wo teen direction se start hua tha, yahan se, east se, northeast se, theek hai. But ye do fail ho gaye, but jo eastern part hai wahan pe Australia ne Mariupol ko apne control kar raha hai ab. So ye नया सिटी सेवरोडोनेट्स को भी कंट्रोल कर रहा है. सो नाउ इफ यू विल सी द रीजन लुहांस्क, व्हिच इज अगेन अ ब्रेकअवे रीजन, तो यहाँ पे सेवरोडोनेट्स और
Lishansk, these are the cities on which is the focus of the Russian offensive. Now friends, continuing from the monetary policy which we did on the first page, so yahan pe hum dekhenge pehla, RBI has raised limit on housing loans by cooperative banks. Okay, the next is that builders see rate increase hitting the house demand. ठीक है ना, तो मतलब कि अब क्या होगा कि house loans महंगे हो जाएंगे, ठीक है, because repo rate बढ़ गया है, so demand पे ये impact हो सकता है. But now see these two news. So the Reserve Bank of India has raised the existing limits on individual housing loans provided by cooperative banks, taking into account the rise in home prices since the limits were last revised and considering borrowers' needs for larger loans. तो यहाँ पे देखिए, होम लोन्स के लिए फिर से आरबीआई ने एक थोड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो कोऑपरेटिव बैंक से जो हाउसिंग लोन्स का जो क्वांटम है उसको इंक्रीज कर दिया गया है. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.